पोषक तत्वों पर किसान सभा का आयोजन। कृषि कार्य में आने वाले नैनो यूरिया के बारे में किसानों को किया जागरूक। बड़ी संख्या में किसानों ने लिया आयोजन में हिस्सा। आपको बता दें कि विराट नगर विधानसभा क्षेत्र में कृषि विभाग द्वारा पोषक तत्वों पर किसान सभा का आयोजन किया गया। सब्जी मंडी विराट नगर में आयोजित कार्यक्रम में सहायक कृषि अधिकारी विराट नगर कैलाश चंद गुर्जर ने डीएपी खाद के विकल्प के रूप में सिंगल सुपर फास्फेट एसएसपी का प्रयोग करने की सलाह दी गई, जो डीएपी खाद से सस्ता एवं अधिक उपज एवं पोषक तत्व होते हैं। कार्यक्रम में उन्नत तकनीक के नैनो यूरिया उत्पादों के बारे में किसानों को बताया गया। आयोजित कार्यक्रम में श्रेयांश गुप्ता तथा मुकेश कुमार द्वारा नैनो यूरिया प्लस तथा नैनो डीएपी तरल के लाभ तथा उपयोग विधि के बारे में किसानों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। आज ये नैनो यूरिया नैनो डीएपी एसएसपी के बारे में किसानों को बताया है। डीएपी की कमी के चलते देखते हुए हमने उनको नैनो डीएपी और एसएसपी के बारे में बताया है, उनके उनका यूज करो। नमस्कार किसान भाइयों, आज विराट नगर में कृषि विभाग राजस्थान की तरफ से किसान सभा का आयोजन किया गया, जिसमें इफ्को की तरफ से किसान सभा में उपस्थित सभी किसानों को यूरिया, दानेदार यूरिया और दानेदार डीएपी की जगह नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया गया और तथा उनसे जुड़ी अन्य सभी जानकारी, जैसे कि उसका उपयोग कब करना है, कितनी कितनी मात्रा में करना है, ये आदि सभी जानकारी किसानों को विस्तार में इफ्को के द्वारा बताई गई। सभी किसान भाइयों को दानेदार डीएपी के वैकल्प के रूप में एसएसपी के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। किसान भाइयों को एक बैग डीएपी की जगह 3 बैग एसएसपी और 1 बैग नाइट्रो यूरिया का इस्तेमाल करने के बारे में किसानों को विस्तारपूर्वक जानकारी दी। विराट नगर, आज हम सभी किसान भाइयों को डीएपी खाद के वैकल्पिक के रूप में एसएसपी खाद का और उसके साथ यूरिया के प्रयोग के बारे में सभी किसान भाइयों को सलाह दी गई। किसान भाइयों को कृषि विभाग की समस्त अनुदानित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। जैसे अभी इस समय सबसे महत्वपूर्ण किसानों की समस्या है कि तारबंदी, यानी कि सभी किसान भाई अपने खेतों की तारबंदी कर सकते हैं। इसके लिए किसान व्यक्तिगत या समूह में भी तारबंदी कर सकता है। इसके लिए किसान के पास न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर भूमि का होना आवश्यक है। किसान सर्वप्रथम ई मित्र पर जाकर ऑनलाइन करवा कर अपने दस्तावेज मांगकर प्रशासनिक स्वीकृति के बाद में तारबंदी कर सकता है। लघु सीमांत कृषक को 120 रुपये प्रति मीटर और सामान्य कृषक को 100 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से अनुदान दे है। एक किसान अधिकतम 400 मीटर तक अनुदान का फायदा ले सकता है।